जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क प्रीलिम एग्जाम एडमिट कार्ड 2021 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं और कैसे आपको इनको डाउनलोड करना है, ये जानकारी आप यहाँ पर इस वीडियो में देख पाएंगे। जहाँ पर दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के साथ साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम की डेट में कैरी करने हैं, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सब जानकारी देने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपना एडमिट कार्ड इस वीडियो को वॉच करने के बाद भी नहीं डाउनलोड कर पाते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं जो कि हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का है। आपको यहां पर आना है और आने पर आपको बेसिकली अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जिसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। बट अभी बात करते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते हैं तो आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है, यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहां पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है और नीचे मैसेज में आपको अपना रजिस्टर नंबर पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। ये देने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही जानकारी मेरे पास आ जाएगी। इसके बाद मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपकी ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर PDF सेंड कर दूंगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप यहां पर डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आपको लॉग इन के अंदर ये डिसाइड करना है कि आपको अपने एडमिट कार्ड को इंग्लिश के अंदर डाउनलोड करना है या फिर हिंदी के अंदर। तो वही आप यहां पर टिक कर दीजिए। इसके बाद यहां पर या तो अपना रजिस्टर नंबर डाल दीजिए या फिर रोल नंबर, बेसिकली अभी आपके पास रजिस्टर नंबर ही अवेलेबल है तो रजिस्टर नंबर यहां पर लिख दीजिए। फिर दूसरे में आपके पास विकल्प है पासवर्ड का और DOB का। पासवर्ड वो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद में आपको मिला था और DOB जो आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की थी। बट आपको जो DOB डालनी है वो किस तरह से डालनी है उसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1997, तो यहां पर मैं 02 उसके बाद आपको हाइफन लगाना है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो माइनस का चिन्ह भी आप इसको कह सकते हैं। फिर यहां पर आपको 05 यानी कि जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था वो, और फिर यहां पर आपको ईयर में आपका पूरा ईयर न लिख करके आपके ईयर के बाद के दो वर्ड लिखने हैं, जैसे कि 97 अगर 88 है, 90 है, 92 है, 93 है, तो आपको बाद के दो ही वर्ड लिखने होंगे जैसे कि यहां पर आप मैंने लिखे हैं, और एग्जैक्ट लिखने हैं यानी कि ये हाइफन भी आपको यहां पर लिखना है यानी कि लगाना है। तो जैसे आप यहां पर ये लिख दोगे उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जो आगे की जानकारी है मैं आपको अन्य वीडियो से देने वाला हूं क्योंकि मैंने इसके अंदर अप्लाई नहीं किया था, तो जानकारी आप चेक कर लीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम, रोल नंबर, यूजर आईडी, ये सब जानकारी चेक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो जानकारी जानने को मिलेगी वह आपकी फोटो की। यहां पर आपको बोला कि प्लीज अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। आपको यहां पर अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। साथ ही आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है कि सेम एज अपलोडेड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फोटो आपने फॉर्म को भरते समय जो कि यहां पर दिया गया है इस्तेमाल किया था वही फोटो आपको यहां पर चिपकाना है। साथ ही आपको उसके ऊपर साइन अक्रॉस यानी कि आधे साइन नीचे और आधे साइन फोटो के ऊपर होने चाहिए। इसके अलावा आपको बोला कि प्लीज कीप 8 कॉपीज ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर, यानी कि आपको कम से कम 8 कॉपीज इसकी अपने पास रखनी है। फिर यहां पर आपको बोला कि 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स टू बी ब्राउट फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको 2 सेम फोटो अतिरिक्त एग्जाम के दिन लेकर के जाने हैं। आपको यहां पर नीचे बोल्ड अक्षरों में बोला है कि फोटोग्राफ अफिक्स्ड शुड मैच द अपलोडेड फोटोग्राफ एज प्रिंटेड, इन केस द ऑफ डिस्क्रेमसी द अपलोडेड फोटो ओनली विल बी कंसिडर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, यानी कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आपके जो फोटो आपने यहाँ पर चिपकाए हैं या फिर जो आप लेकर के जाएंगे वो आपके सेम होने चाहिए। फिर यहाँ पर जो कुछ और पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं वो पॉइंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको बेसिकली मेन पॉइंट्स बोल्ड लाइन के अंदर लिख करके बताए हैं। यहाँ पर बोला कि प्लीज ब्रिंग द कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ
अफिक्स्ड देयर ओन ए फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ स्टेपल्ड विद इट एंड सेम करंटली वैलिड। यानी कि बेसिकली आपको ये जो कॉल लेटर है वो फोटोग्राफ इसके ऊपर चिपका करके लेकर के जाना है जिस दिन आपका एग्जाम होगा, और आपको एक फोटो आईडी लेकर के जानी है, दो आपको अतिरिक्त फोटोग्राफ लेकर के जाने होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईडी आप इनमें से कोई भी लेकर के जा सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, यानी कि यहाँ पर आपको जो आईडी मेंशन करके रखी है इनमें से कोई भी आईडी आपके पास होगी तो आप उसको लेकर के चले जाइएगा। फिर यहाँ पर आपको ये भी बोला कि राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फोर्थ आपको बोला है कि कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट टू एडिशनल फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि जिन कैंडिडेट के पास दो अतिरिक्त फोटोग्राफ नहीं होंगे उनको वहां पर एग्जाम के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ग्लू फॉर पेस्टिंग फोटोज ऑन अटेंडेंट सीट, यानी कि यहां पर आपको ये तो फोटो लेकर के जाना ही है, साथ ही आपको ग्लू यानी कि जो फेविकोल होता है चिपकाने के लिए वो भी आपको अपने पास अतिरिक्त लेकर के जाना होगा जहां पर आपको फोटोज को अटेंडेंट सीट पर चिपकाना है। इसके अलावा आपको 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम से वहां पर वेन्यू पर जाना है। फिर 6 पॉइंट में आपको बोला है कि टोकिंग इनटू अकाउंट द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ईमेल एंड एसएमएस विल बी फॉरवर्डेड टू यू ए डे प्रीरियड टू द एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा उसकी एक डेट पहले आपको एक दिन पहले आपको मेल और मैसेज के माध्यम से बता दीजिएगा कि आपको किन किन चीज़ों का वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में पालन करना है, ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिर आपको बोला है कि लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक दी टेस्ट, यानी कि जो लेट पहुंचेंगे जो डेट और टाइम आपको दी है उसके बाद तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द टाइम फॉर द टेस्ट इज ओवर, यानी कि जब तक आपका लास्ट टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। एंड और परमिशन टू लीव द हॉल इज गिवन बाय द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जब तक आपको वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर जाने की अनुमति न दे तब तक आप नहीं जा पाएंगे। यहां पर दोस्तों जो आपको फोटोग्राफ है वो सेम लेकर के जाने, अगर ये सेम नहीं होंगे आपको ये बोला कि फॉलोइंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपको फोटो के ऊपर एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो लगाने हैं अगर आप वही सेम फोटो दो अलग लेकर के नहीं जाते तो ऐसे में आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये जानकारी आपने कंफर्म कर ली। नीचे आपको यहाँ पर बोला है कि हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर आपको तो लिखना होगा। साथ ही आई हैव बाउट एंड अटैच्ड माई, यहाँ पर आपको आईडी नंबर देना होगा, आधार पैन जो कि यहाँ पर आपके सामने है। फिर यहाँ पर जो अन्य पॉइंट है वो भी आपने बेसिकली अच्छे से कंफर्म कर लिए होंगे। तो आई होप आपको पूरी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है इस एडमिट कार्ड के बारे में। आपने इन सभी पॉइंट्स को रीड कर लेना है। अगर आपको इंग्लिश सही से रीड करनी नहीं आती या उसका मतलब नहीं पता तो आप हिंदी में इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके जो हिंदी के इंस्ट्रक्शन हैं वो अच्छे से रीड कर लीजिए, तब आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। नीचे आपको यहाँ पर 2 पेजेस का इंस्ट्रक्शन प्लस 1 पेज डिक्लेरेशन भी इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया है, जहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें पॉइंट्स के रूप में अच्छे से बताइए कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर एग्जाम के दिन लेकर के जानी है। इसलिए आपका इस एडमिट कार्ड को अच्छे से एक एक पॉइंट के रूप में रीड करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन में आप देख लीजिए, वी आर कंसर्न्ड योर हेल्थ, तो आपको बोला कि आपको इनमें से कौन से सिम्टम है। अगर आपको कोई सिम्टम है तो आपको उसके ऊपर यस करना है यानी कि राइट का निशान लगाना है। अगर सिम्टम नहीं है तो आपको क्रॉस का निशान लगाना है। अगर आपको कफ यानी कि खांसी है तो राइट का निशान लगा दीजिए, नहीं तो क्रॉस लगा दीजिए। इसी प्रकार से फीवर है, सोर थ्रोट है, रनी नोज है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बॉडी एक है, एक्ने, तो आपको यहां पर बताना है। और यहाँ पर नीचे आपको आकर के इसमें कैंडिडेट नेम देना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना है, सॉरी रोल नंबर है वो देना है, डेट ऑफ एग्जाम देनी है, एग्जाम सेंटर नेम देना है और नीचे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पूरी जानकारी को फिल कर पाएंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपका कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी SBI क्लर्क प्री एग्जाम एडमिट कार्ड 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।